प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के अंतर्गत बुधवार को नमो ऐप पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवियों और विशिष्ट नागरिकों समेत करीब 1 करोड़ लोगों से संवाद किया। इस कड़ी में गोरखपुर में भी बड़ी संख्या में पीएम मोदी के कार्यक्रम को लाइव सुना और देखा गया। इस दौरान पूर्व मेयर डॉ. सत्या पांडे, नगर विधायक डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल सहित पार्टी कार्यकर्ता और वरिष्ठ नागरिक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए गोरखपुर ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने कहा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा वचन है, मेरा वचन है भारत मां को। अन्य नेता कार्यकर्ता गण, सुरमा और सुरमारो, लोग थारा दर्शन करो ना वे। ऊंचा ऊंचा टीबड़ा सोने का पहाड़ा नबी मात देवे महिला ने नमन और घरों घरों अभिनंदन। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे है मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। नामुमकिन हम मुमकिन। साथियों, यही कारण है कि हर भारतीय, चाहे वो जिस भी क्षेत्र में काम कर रहा है, और क्या ये भी वीडियो कॉन्फ्रेंस है, विस्तार से बात कहां एक रिकॉर्ड मिल जाएगा की भावना भारतीय जनता पार्टी चरम पर खुद पर और सरकार पर अभूतपूर्व विश्वास, यही हमारी पूंजी। किन किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए, फोकस करना चाहिए? रजनी जी, आपका धन्यवाद। त्रिपुरा में की जनता त्रिपुरा को आगे निकलने के लिए, हाँ बैठिए रजनी जी, त्रिपुरा की जनता त्रिपुरा को आगे ले जाने के लिए बहुत मेहनत कर रही है, एक मुक्ति का आनंद ले रही है और वहाँ सरकार भी जन कल्याणकारी कामों में लगी हुई है और इसलिए अगर आगे बढ़ने का यश है तो त्रिपुरा की जनता को है, त्रिपुरा की सरकार को है, त्रिपुरा का नेतृत्व करने वाली टीम को है। मैं तो एक गार्डियन हूं, एक गार्डियन के नाते जितना ख्याल रख सकता हूं जरूर रखता रहूंगा, लेकिन आपने मेरा धन्यवाद किया इसलिए मैं आपका आभारी हूं। ये पूरे देश के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी देश हित में, जो कि वर्तमान में आप देखे हैं कि बगल के देश द्वारा जो भारत पर आक्रमण करने का प्रयास किया गया उसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया है और प्रधानमंत्री जी आज पूरे देश को राष्ट्र के नाम संदेश दे रहे हैं। महासंवाद कार्यक्रम चल रहा है और दूसरे यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी योजना के तहत जो है आज करीब 800 ड्रेस कोड भी वितरित किए गए हैं, ड्रेस जो है तमाम संस्थाओं के बच्चों को, वो भी एक कार्यक्रम रहा है। अब सरकार तो हर तरफ देखें आपकी हर क्षेत्र में अच्छे कार्य कर रही है, चाहे प्रधानमंत्री आवास के क्षेत्र में शहरी हो, चाहे देहात हो, और चाहे उज्ज्वला गैस योजना, चाहे शौचालय, चाहे हर तरह जो है, चाहे तमाम देखें आप कई कई सौ करोड़ के, अभी हाल ही में 9000 करोड़ का आपको गोरखपुर को जोड़ा जा रहा है गैस पाइपलाइन से, उसका शिलान्यास किया है। इस तरह से एम्स, फर्टिलाइजर, तमाम योजनाएं ऐसी हैं जो गोरखपुर को 7 फोर लेन मिल गई है,
तो इस तरह से सारी जानकारी हम लोग जनता के बीच में जाकर देंगे भी, और प्रधानमंत्री जो द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जानकारी देंगे, और आगे अनुरोध करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की पुनः 2019 में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बने, यही सब हम लोगों का मेन उद्देश्य है।